पुरानी मंडी के पास कई घर और दुकानों में दरार आने पर शुरुआत में लोग इसे सामान्य समझ रहे थे। दरारें बढ़ने पर लोगों में चिंता बढ़ने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 30 घरों और दुकानों में दरारें आई हैं, जिसकी शिकायत मेट्रो अधिकारियों से की गई, तो अधिकारियों ने निरीक्षण कर जांच करने के लिए कहा, लेकिन अभी तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। दरारें बढ़ने के बाद लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि घर में दरारें बढ़ने से मकान खाली करना पड़ा है और परिवार को दूसरी जगह रखने को मजबूर होना पड़ा है। पास में ही मेट्रो का भूमिगत काम चल रहा है। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मेट्रो के भूमिगत कार्य के कारण ही मकान और दुकान में दरारें आई हैं। स्थानीय निवासी राहुल शिवहरे द्वारा मेट्रो अधिकारियों को इस मामले पर नोटिस भी दिया गया है, लेकिन मेट्रो अधिकारियों ने नोटिस नहीं लिया। इसके बाद स्थानीय निवासी सरकार से जांच की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस मामले पर आगरा मेट्रो के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने जांच करने की बात कहकर मीडिया के कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। दरार एक्चुअली ये है, मेट्रो के जो भूमिगत स्टेशन बन रहा है उस वजह से थोड़ी दरार आ गई है। मैंने अधिकारियों को अवगत कराया था, पर अधिकारियों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, ना ही मतलब कोई बंदा आया है मेरे पास। कितने दिन से आई है दरार है? अभी 4 महीने करीब मेरी दुकान बंद रही थी, तो इस पीरियड में थोड़ी कम दरार थी। अब जो मेट्रो जो खुदाई हुई है तो उससे कुछ ज़्यादा ही दरार आ गई है। कितना भय का माहौल है, कैसा माहौल है जी? कितना भय का माहौल है? हाँ, भय का मामला तो ये है कि घनी बस्ती है, कोई बच्चा है या मतलब कोई हादसा भी हो सकता है, तो उस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, कोई जूर नहीं रख रही उनके पे। मैंने शिकायत भी की है इसकी 2 बार। मेट्रो में जो टनल खुद रहा है उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में दरार आ गई है, जो कि शिकायत की थी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक थर्मामीटर लगाया हुआ है, वो चेक करने आते हैं 1-2 महीने में 1 बार। तो शिकायत के बाद शायद आपने नोटिस नहीं दिया है, क्या कोई जवाब? नोटिस दिया था, वो एक्सेप्ट नहीं किया, उसका कोई जवाब है नहीं है अभी तक। मैंने फोर्स किया था ज़्यादा, थोड़ा सा बदतमीजी की, तो जी मीटर लगाया गया था। तो कितना डर का माहौल है आपका? डर का माहौल, पूरा घर खाली करना पड़ा है, मुझे शिफ्ट होना पड़ा है। आपने यहाँ से घर खाली कर दिया? हाँ जी। तो डर है लोगों में बहुत। तो करीब कितने घरों में आई होगी दरार? यहाँ पे आई होगी कम से कम 30 से 40 घरों में दरार। यहाँ कई टाइजन क्षेत्र में कई ऐसे मकान हैं जैसे मेट्रो के कारण दरारें आ रही हैं, और भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो इसलिए क्षेत्रीय लोगों के द्वारा कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, मगर उनके कानों में जू नहीं रेंग रही। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आगरा के लिए। अभी कोई भविष्य में कोई बड़ी घटना हो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मेट्रो के अधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि समस्या का निस्तारण करें, भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो। लोगों में कितना भय है, क्या माहौल? लोगों में भय का इतना माहौल है कि वो अपना मकान यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यहाँ से लोग अपना मकान छोड़कर जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने भी देखा है यहाँ पर कि यहाँ एक व्यापारी हैं, उन्होंने अपना मकान यहाँ से प्लान कर लिया। उनको भय का माहौल इतना है कि लोगों के अंदर एक मेट्रो, एक आगरा विकसित के लिए बनाई जा रही है, मगर एक यहाँ भविष्य में इतनी बड़ी घटना ना हो, इसलिए मैं मेट्रो के अधिकारियों से पुनः आग्रह करता हूँ कि यहाँ समस्या का निस्तारण करें। ये मकान में दरार आ गई है मेट्रो के काम चलने से। कितने दिन से दरार आ गई? ये अभी 4-5 दिन से ही हुआ है। कितनी दरार है? ये 8-10 दरार आ गई हैं, अंदर अंदर भी कमरे में आ गई है दरार, और ये टेल वगैरह पूरे चटक गए हैं। कितना डर है, कितना डर है? कोई पता नहीं है, चलने का गिर जाए, कोई हादसा हो जाए। तो आपने अधिकारी से शिकायत की? मैं शिकायत करूँगा, देखूँगा। कितने दिन में आई है दरार? ये कल परसों में ही हुआ है, पहले दरार नहीं थी। ये डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्रज किशोर शर्मा की रिपोर्ट।